वो एक छोटी जगह से आई है तो वो खुश है, लेकिन वो उसकी सोच ये है कि शायद उसके बच्चे ना खुश रहे, उसके बच्चे शायद आज सवाल नहीं कर रहे लेकिन शायद 4 साल बाद बोले कि लेकिन आप लोगों ने तो हमारे लिए किया नहीं है, आप लोग भी तो ये कर सकते थे हमारे लिए। परवरिश के लिए कोई हैंडी बुक होती नहीं है, पता नहीं होता है यू नो व्हाट इज परवरिश, कैसे करनी है, यू नो इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। इट्स आल्सो वेरी यूनिवर्सल थीम, व्हिच इज व्हाई वी फील दैट इन सीजन 2 दिस इज समथिंग दैट विल रियली अट्रैक्ट द ऑडियंसेस। एंड व्हाइल यू नो अदर कंपनीज एंड अदर चैनल्स आर टॉकिंग अबाउट सास बहु, वी आर टॉकिंग अबाउट माँ बाप एंड बच्चे। सो आई थिंक इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट टू ब्रिंग पेरेंटिंग एज अ थीम टू टेलीविजन, you know, which didn't exist 3 years ago. So we feel really good about it as a company and with Sony. And this show is about two best friends who knew each other in college. Then they separated and they happened to bump into each other and meet each other again in the city of Delhi. And they realized they're neighbors. But what they realized was that they both had families and they both were mothers. And they were both trying to raise their kids, you know, and they were both trying to parent. And it's the journey of how they will parent with the help of their husbands and how they will raise kids. जैसे हम कहते हैं अच्छे माँ बाप के अच्छे बच्चे, हर बंदा चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे अच्छा करे. So that would be the biggest challenge for these two characters, you know. You know, sometimes just when you realize that, you know, you just, when you begin to appreciate your own parents, you realize you have your kids turning around and saying, Mom, I don't think you've got it. You know, so that is the challenge of parenting, you know. How do you get it, you know, and how do you get it right? I've spoken to almost everybody. Yes. So, this is how they are. We both complete each other's sentences. Our bonding has been great for us. लेकिन आई हैव टू थैंक सोनी एंड आई हैव टू थैंक डीजे. सोनी एंड डीजे आई थिंक इज अ ग्रेट मैरिज. दे हैव डन सम अमेजिंग थिंग्स टुगेदर एंड सक्सेसफुल मैरिज दे हैव हैड, सोनी एंड डीजे. सो इट वाज एंड सोनी टोनी एंड टोनी एंड टोनी. So I have to thank for ke mujhe ye show offer kiya. We both have to thank ke humko ye show offer kiya aur ye opportunity mili humko, kyunki aajkal real space mein aur thode sensible shows mein kaam karna ye zyada dekhne milta nahi hai. To ye real space hai aur hum bhi seekh rahe hain. God bhi to parents hai hi, par main nahi hu, mujhe bahut kuch seekhne ko mil raha hai. Aur show karte karte isme काफी हंसी भी निकल जाती है. काफी ऐसे लगता है कि हाय मेरे माँ बाप ने भी मुझे ये बोला था और मैंने तभी ध्यान नहीं दिया था कि हाय उनको कैसे लगा होगा. बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं. जब हम सीन्स करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ जब हम 13-14 साल के थे तो मेरी माँ ने यही किया था और जो आज जब मैं माँ हूँ मैं अपने बच्चों के साथ वही कर रही हूँ. तो जब मैं सीन्स करती हूँ मुझे हंसी आ जाती है क्योंकि जब मेरी बेटी सिया ने प्रोमो देखा तो शी सेड कि Mama, you're same on TV, yeah. So I was extremely embarrassed. And जैसा कि दिया जी ने कहा कि परवरिश सीखते सीखते आती है. बिल्कुल. तो I think that's very very important. As parents or as adults, we forget that children teach us a lot, and we have to just learn to listen to them, and we do learn a lot from them. हाँ, मतलब parents भी भगवान नहीं होते, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, और वो गलती को हम दोबारा ना करें, गलती से सीखे, चाहे बच्चे सीखे या पेरेंट्स सीखे, जिंदगी सीखने का नाम है और परवरिश भी सीखते सीखते ही आती है जी. और हमारा शो इतना सीरियस नहीं है, बहुत हंसी मजाक है, ह्यूमर है, सिचुएशनल ह्यूमर है, कॉमेडी नहीं है, सिचुएशनल ह्यूमर है. तो आई एम श्योर आप सब उसे रिलेट कर पाओगे और सबकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस 100% हुए हैं. तो प्लीज हमारे शो को देखिए और बहुत रिलेटेबल है और पसंद भी कीजिए. पसंद वो करेंगे सीजन 2 और ज्यादा पसंद करेंगे, है ना. अभी हम अपनी फैमिलीज को भी बुला लें
तो मेरे प्यारे हस्बैंड जी कुलविंदर जी प्लीज आइए, संदीप जी आइए, संदीप जी और संदीप जी मेरे हस्बैंड कुलविंदर जी, हमारे दार जी दीपक जी प्लीज आइए, मेरे हस्बैंड के फादर दार जी आइए, बेबे मीनाक्षी जी, कम ऑन मीनाक्षी जी आइए आइए, और मेरा बेटा है जो चोगी आजा अनुज आजा, अच्छा हेडफोन्स नहीं है आज, हाँ आज कंटिन्यूटी में सॉरी, और मेरी प्यारी सी बच्ची जस्सी डायना प्लीज कर, ये तो है मेरा परिवार फुल, मतलब हाउसफुल है यहाँ पर तो, और इस परिवार का हिस्सा मैं भी हूँ क्योंकि मैं सूरी की बहुत बेस्टेस्ट फ्रेंड हूँ, तो इस परिवार का हिस्सा मैं भी हूँ, मेरी छोटी सी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, मेरे पति फिलहाल राज गुप्ता कॉन्फ्रेंस पे गए हैं, वो जापान में है कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी रिया है, रिया प्लीज कम, भाविका प्लीज रिया, तो ये रिया है, कुछ नहीं करूंगी नहीं काटूंगी आई प्रॉमिस यू, ये रिया है, तो ये हमारी छोटी सी फैमिली है। जी अगर आपको थीम जानना है तो आपको सीरियल देखना पड़ेगा, दो फैमिलीज पे है जी, दो फैमिलीज पे है, हम दोनों उनकी लड़कियां हैं, हाँ हम दोनों एकदम अलग एक दूसरे से, मेरा कैरेक्टर का नाम जस्सी है, मेरे कैरेक्टर का नाम रिया है, सो इट्स अबाउट द पेरेंटिंग दे आर गिविंग अस, लाइक देयर सम स्कूल सीन्स जिसमें ये मुझे रैगिंग करती है, और उसके भाई की, हाँ तो आई एम अ वेरी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट गर्ल, आई एम वेरी स्कैर्ड, तो आई गो एंड कम्प्लेन, आई डोंट कम्प्लेन इट, निकल जाता है वो मेरे मुँह से कि मैंने सब बोल दिया, तो फिर और मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ सीरियल में, जो जो गलत लगता है वो सीधा मुँह पे बोल देती हूँ, ऐसा नहीं कि पीठ पीछे जाकर बोलूँ, सीधा मुँह पे, और आज के जनरेशन की लड़कियाँ तो कैसी होती है, बस वैसी हूँ मैं, चैप्टर चैप्टर नहीं यार कुछ भी। मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज मैं थोड़ी सी 2% जस्सी की जैसी हूँ रियल लाइफ में, और मेरा कैरेक्टर एकदम ऑपोजिट है मेरे से, यू कैन सी द इंडियन वे एंड सच हेयर स्टाइल्स, आई एम नॉट लाइक दैट, मैं थोड़ी सी रिया जैसी हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट गर्ल, एंड इसमें जस्सी इज वेरी अनकॉन्फिडेंट एंड शी हैज़ बहुत सारे टैलेंट है उसमें, बट वो दिखा नहीं पाती बिकॉज शी इज स्कैर्ड ऑफ पीपल अराउंड, वो सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसे अच्छा फील करती है, शी कैन नॉट गो आउट एंड टॉक टू एनी रैंडम पर्सन, सो या गुस्सा तो बहुत आता है, क्यों रोक रहे हो यार जाने दो, गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फ्रीडम कोई रोके यार मतलब क्या, हमें एकदम ज्यादा नहीं है कि नहीं जाना ही नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पेरेंट्स स्वीट है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उतना नहीं है बट है थोड़ा बिकॉज दे ऑफ कोर्स दे केयर अबाउट अस एंड दे वांट अस टू गो ऑन द राइट ट्रैक, उनको नहीं चाहिए हमें गलत इसमें जाए, अभी आपका बच्चा होगा आपने बोलेंगे हाँ तू इसमें जा बेटा जो करना है कर तू, सीरियल में मेरी मॉम बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, रियल में भी है मेरी मॉम जो रियल में है वो है बट इतनी ज्यादा नहीं जितनी सीरियल में है, मेरी मॉम है शी इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी बिकॉज एक ही लौती बेटी हो यार वो भी चली जाएगी तो फिर क्या मतलब, तो शी वो फ्रीडम देती है पर गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सो शी इज लाइक टेक केयर, थैंक यू सो मच बाय, और हाँ परवरिश देखना हमारा 23 नवंबर को रात को 9 बजे को, चलो बाय बाय, इट्स अबाउट स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल मतलब टीनेजर्स जो जिनके माँ बाप नए टाइम्स के साथ कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरी फैमिली जो है
मेरी बहू जो है वो ऐसे ही करना चाहती है कि भाई वक्त के साथ आगे बढ़ो एंड सोसाइटी में देर इज़ टू मच कॉम्पिटिशन सो यू हैव टू फेस दैट कॉम्पिटिशन. आप पीछे नहीं रह सकते, आपको भी आगे बढ़ना है उन लोगों के साथ में. सो इसलिए हम अमृतसर छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं कि भाई दिल्ली में आके थोड़ी हाई सोसाइटी के साथ में और जो मूविंग टाइम्स के साथ में मूव करें हम लोग. इट्स अबाउट दैट. एंड उसकी जो फ्रेंड है सिमरन वो तो ऑलरेडी दिल्ली में है सो वो उस लेवल पे ऑलरेडी है एंड वी आर ट्राइंग टू गो टू कोप अप विथ हर एंड ऑब्वियसली विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. सो that is what it is all about and my son is not too enthusiastic about it but theek hai, my daughter-in-law is good enough to convince him for everything and zarurat pade to theek hai aap karo aapko jo bhi karna hai main I will take the initiative. She's that types and I support her in that and even her biggest supporter is her father-in-law jo usko sabse zyada support karte hain. So that is one big plus point she has and that is how we, you know, Delhi mein aake hum log wo kaise ab wo face karenge sara kuch. Ye season 2 hai Parvarish ka aur season 1 jaisa ki sab log jante hain ki bahut जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीज़न 1 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है. उम्मीद करते हैं कि सीज़न 2 भी उतना ही सक्सेसफुल हो. और ये कहानी है दो परिवारों की, दो सहेलियों की, और ये कहानी है दो डिफरेंट पेरेंटिंग आइडियोलॉजीज़ की. और कौन सही है कौन गलत है, एक्चुअली कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है. ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है. जैसा आप अपने बच्चों को चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं. अगर हम आज के टाइम पे जो परवरिश माँ बाप करते हैं तो लगता है कि आज मॉडर्न ज़माने में बच्चे उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते, तो क्या ये चीज़ उन लोगों को पिंच करेगी? एक्चुअली बच्चे अपने माँ बाप को सीरियसली नहीं लेते, ये मेरा मानना ये नहीं है. मेरे बच्चे तो मुझे बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बच्चे सीरियसली लेते हैं. प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स सुनते नहीं हैं अपनी बच्चों, जब बच्चे जो कहना चाहते हैं. बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पेरेंट्स इतने हड़बड़ी में होते हैं, इतनी जल्दबाजी में होते हैं, अपने काम में इतने मशरूफ़ होते हैं कि जब बच्चे कुछ बोल रहे होते हैं वो सुनते नहीं हैं. तो प्लीज़ अपने बच्चों की बातें सुनिए और उनकी बातों पर थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर कि आप भी जानेंगे कि उनकी तकलीफ़ें क्या हैं और तकलीफ़ें आप उनकी दूर कर सकते हैं. तो प्लीज़ उनकी बातें सुनिए, इतना ही मैं कहना. हम बहुत भारी है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. सबसे पहले जो हम परवरिश बना रहे हैं वो भारी भी है और हल्का भी है, क्योंकि इसमें जो डिफ़िकल्ट या सीरियस सिचुएशंस है लाइफ में, उसमें रियल लाइफ में भी ना आप ह्यूमर ढूंढते हो, ऐसी कोई बात कर जाते हो जो चेहरे पर हंसी लाती है. तो हमारे इस सीज़न में वैसा है. सिचुएशंस तो डिफ़िकल्ट है क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब वो टीनेजर्स हैं, जब वो मतलब एडल्टहुड में कदम रखने जा रहे हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं. वो सिर्फ पेरेंट्स की बातों पर भरोसा नहीं करते, उनके फ्रेंड्स होते हैं और मीडिया है, इंटरनेट है, इतनी सारी चीज़ें होती है. तो उनके लिए भी कन्फ्यूजन होता है और पेरेंट्स के लिए भी डबल कन्फ्यूजन होता है कि हमारे बच्चों को कितना कंट्रोल करें, कितनी छूट दें. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एज है बच्चों का और पेरेंट्स को उस एज में के बच्चों को कैसे संभालें. तो इंटरेस्टिंग है परवरिश, साथ ही इस परवरिश में एक अलग एनर्जी है, स्टोरी अलग है, बैक स्टोरीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है. मेरे बच्चों को तो मैंने खुली छूट दे रखी है कि बेटा जाओ, आप उड़ो लाइफ में, हम लोग हैं पीछे संभालने के लिए. अब गिरो तो फिर आप उठ सकोगे लाइफ में. आपको एक्सपीरियंसेस होनी चाहिए लाइफ में, सारी चीज़ें आपको परोस कर नहीं मिल सकती है. तो ऐसा कैरेक्टर है सुरेंद्र का जो चाहती है कि उसके बच्चे अचीव करें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़. वो एक छोटे जगह से आई है तो वो खुश है, लेकिन वो उसकी सोच ये है कि शायद उसके बच्चे ना खुश रहे. उसके बच्चे शायद आज सवाल नहीं कर रहे लेकिन शायद 4 साल बाद बोले कि लेकिन आप लोगों ने तो हमारे लिए किया नहीं है, आप लोग भी तो ये कर सकते थे हमारे लिए. तो वो चाहती कि उसके बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें. तो उसके लिए उसकी स्ट्रगल है सुरेंद्र की. वो अपने फैमिली से भी लड़ती है, अपने हस्बैंड से भी कई बार उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि नहीं ये करना है तो ये करना ही है, जो काफ़ी लोग अग्री नहीं करते हैं, लेकिन सुरेंद्र को लगता है कि वो सही है. रियल लाइफ की
बात करें तो रियल लाइफ में और इस सीरियल के अंदर कितनी समानता है, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि रियल लाइफ में जो परवरिश बच्चों की माँ बाप आज के टाइम पे कर रहे हैं और जो सीरियल में दिखाई गई है उसमें काफ़ी कुछ समानता है, काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ है। देखिए, जो सुरिंदर जो एक माँ है, जिस तरह से उनका कैरेक्टर है, वैसी माएँ होती होंगी। मैं ये नहीं कहती हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा करे, लेकिन जिस तरह से वो है वैसी माएँ कम होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। और मैं अगर देखूं रियल लाइफ में तो मैं चाहूँगी कि बच्चों को स्पेस मिले, लेकिन अब वो तो हर पेरेंट पे डिपेंड होता है कि उनके बच्चे कैसे हैं और वो कितनी स्पेस दे सकते हैं, उनको कितनी छूट दे सकते हैं, कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, कितने लिबरल होने चाहिए, तो इस बारे में वो ही बेहतर जानते हैं, मैं नहीं कह सकती कुछ। लेकिन अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ, आज मेरा मानना है कि मैं अपने बच्चों को छूट देना चाहूँगी, लेकिन हाँ, एक हद तक ही देना चाहूँगी, उसके बाद मैं भी थोड़ा बहुत नज़र रखना चाहूँगी अपने बच्चों पर। फैन से कहना चाहूँगी कि परवरिश देखिए, और जैसे कह रहे हैं कि परवरिश सीखते सीखते ही आती है, तो आप अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और पेरेंट्स अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। पेरेंट्स भी गलतियाँ करते हैं और उनको अपनी गलती कभी कभी मान लेनी चाहिए। तो देखिए, शायद आप सबको पसंद आए सीज़न 1 की तरह ये सीज़न 2 भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।